का आयोजन किया है। साथियों, इस समय पूरा देश और पूरी दुनिया मानव इतिहास के सबसे बड़े आपातकाल, सबसे बड़ी बीमारी, महामारी COVID-19 की बीमारी से लड़ रही है, जूझ रही है। ये समय है जब पूरे देश में, हमारे भारत देश में, सभी पार्टियों को एकजुट होकर, सभी पार्टियों को साथ आकर मिलकर इस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता है। सारी पार्टियों को मिलकर, एकजुट होकर सारा ध्यान और सारी एनर्जी इस चीज पर केंद्रित करनी चाहिए कि कैसे हमारे देश को COVID-19 की बीमारी से बचाएं, कैसे हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को रक्षा दें, कैसे हमारे देश में COVID-19 बीमारी से हो रही मौतों को कम किया जाए, मृत्यु दर को नीचे लाया जाए। सारी पार्टियों को मिलकर जहां ये देखना चाहिए कि कैसे हर राज्य के अंदर वेंटिलेटर, आईसीयू और बेड्स की व्यवस्था बेहतर करी जाए, बढ़ाई जाए, कैसे रिकवरी रेट बढ़ाया जाए। एक ऐसे समय जब सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी है, ऐसे समय हमारा देश ये देख रहा है कि एक पार्टी है जिसके विधायक बिक रहे हैं और दूसरी पार्टी है जो वो बिकने वाले विधायकों को खरीद रही है। एक तरफ एक सरकार है जो अपनी सत्ता बचाने के प्रयास में लगी है और दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है वो सरकार को गिराने में लगी है। गंदी राजनीति और बेहद दुखदाई दृश्य आज पूरा देश राजस्थान में देख रहा है। जो राजनीतिक नाटक और जो गंदी राजनीति के दृश्य आज देश का एक आम नागरिक, एक आम वोटर देख रहा है, वो हर व्यक्ति को बहुत दुख और पीड़ा दे रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। लगभग 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पर है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि राज्य के बाद राज्य, राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी अपने वोट बेचती जा रही है, अपने विधायक बेचती जा रही है। आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए। गोवा में, गोवा की जनता ने कांग्रेस को बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई और हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद कांग्रेस ने अपना वोट, अपने विधायक बेच दिए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। कर्नाटक में जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी अपेक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया कई सालों के बाद और कांग्रेस की सरकार वहां पर स्थापित करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही दिनों बाद अपना वोट और अपने विधायक बेच दिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे लोग खरीद लिए और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। लोगों ने फिर बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाई, वहां पर भी कांग्रेस ने अपने वोट, अपने विधायक बेच दिए और वहां पर थोड़े दिनों बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं लगातार दे सकता हूं, धारा प्रवाह आपको राज्य दर राज्य बता सकता हूं कि जनता कांग्रेस को वोट देती है और कांग्रेस अपने वोट भाजपा को बेच देती है। एक पार्टी है जो वोट बेच रही है, दूसरी पार्टी है जो वोट खरीद रही है। किसी भी पार्टी को वोट दो, सरकार बिक जाती है। ये जो राजनीतिक हालात इस देश के बन चुके हैं, ये एक आम मतदाता को, एक आम नागरिक को इस देश के परेशान कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी का ना ही कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है। कांग्रेस नाइदर हैज एनी फ्यूचर नॉर द कांग्रेस पार्टी कैन गिव एनी फ्यूचर टू दिस कंट्री।